Hey guys, this is Aastha Shah. Welcome back to my YouTube channel. And this video is all about Navratri outfit. Due to my exams, video काफी जल्दी बनाई है and without makeup बनाई है. So sorry for that and sorry for low resolution. Also sorry for the background. And इस video में मैंने अलग-अलग color combination करके चनिया चोली पहनी है. ज्वेलरी कुछ ज़्यादा मैंने पहनी नहीं है क्योंकि एक घंटे के अंदर अंदर मुझे ये वीडियो बनाना था. तो यहाँ पर मैंने पर्पल कलर का बैकलेस ब्लाउज एंड पिंक कलर का चनिया डाला है. इसके ऊपर ब्लू या तो फिर येलो कलर का दुपट्टा अच्छा लग सकता है. उसी सेम लहंगे के ऊपर मैंने मोर पिंच कलर का ब्लाउज डाला है एंड आई थिंक येलो कलर का दुपट्टा उसके ऊपर काफ़ी सूट होगा. और यहाँ पर मैंने प्लेट्स लगाने का ट्राई किया है जो कि प्रॉपर नहीं बैठी है, लेकिन आप आइडिया लगा सकते हो. इसको ऐसे सीधा रख के भी आप पहन सकते हो एंड इसको क्रॉस में लगा के भी आप पहन सकते हो. यहाँ पर मैंने नेवी ब्लू कलर का ब्लाउज डाला है एंड हल्दी कलर का लहंगा डाला है. आई थिंक ये कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा लगता है. इसके ऊपर एकदम डार्क पिंक कलर का दुपट्टा डाला है मैंने जो कि काफ़ी ज़्यादा सूट कर रहा है. यहाँ पर दुपट्टे की एक साइड को प्लेट्स लगाकर मैंने कमर में डाला है. दुपट्टे का दूसरा एंड हमको लेना है एंड उसके अंदर जहाँ पर लेस लगी हो वो वाली साइड पे हमको दूसरी प्लेट्स लगानी है. फिर इस प्लेट्स को आप ऐसे सीधा भी रख सकते हो या तो फिर क्रॉस में भी कर सकते हो. तो यहाँ पर मुझे मेरे ब्लाउज की जो डिज़ाइन है उसका शो ऑफ करना था, इसलिए मैंने इतना हाफ ही रखा है दुपट्टे को. आप चाहो तो इतना भी रख सकते हो एंड पूरा ब्लाउज ढक जाए वैसे भी रख सकते हो. आगे मैं आपको दुपट्टे को लगाने का दूसरा एक तरीका बताऊंगी. तो यहाँ पर हमने जो कमर के अंदर प्लेट्स बनाकर लगाई थी उसको खोल देना है एंड दुपट्टे का जो एक एंड होता है उसको ही सिर्फ कमर के अंदर लगाना है. अभी जैसे कि मैंने बोला था, इसको सीधा भी रख सकते हो, क्रॉस में भी रख सकते हो या तो फिर पूरा का पूरा खोल भी सकते हो. ये वाला कॉम्बिनेशन आई थिंक एवरग्रीन कॉम्बिनेशन है फॉर नवरात्रि आउटफिट, क्योंकि आप जहाँ पर भी देखोगे वहाँ पर आपको रेड येलो एंड ग्रीन कलर का कॉम्बिनेशन मिल ही जाएगा. इस आउटफिट के ऊपर अगर आप मैरीगोल्ड के फ्लावर अपने बालों में लगाओगे तो बहुत अच्छा लगेगा. ओवरऑल पूरे वीडियो के अंदर मैंने बैकग्राउंड ज्वेलरी या तो फिर मेकअप के ऊपर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया है क्योंकि एग्ज़ाम आ रहे हैं. बहुत ही कम टाइम के अंदर मैंने ये वीडियो शूट किया है तो आई होप आप उन चीज़ों को इग्नोर करके आउटफिट के ऊपर ध्यान देंगे एंड आई होप कि आपको ये आउटफिट का आइडिया अच्छा लगा हो.